नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। भारत की पूर्व महिला पहलवान विनेश फोगाट पिछले काफी समय से चर्चा में है। पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 किलोग्राम कुश्ती के फाइनल मुकाबले के दिन उनका वजन थोड़ा सा ज्यादा पाया गया और उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद वे टूट गई थी। ऐसे में क्या उनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया था? इसके जवाब है हाँ। इसका खुलासा खुद विनेश फोगाट ने किया है, लेकिन उन्होंने पीएम मोदी से बात नहीं की थी। इसके पीछे का कारण ये था कि वे चाहती थी जो भी बात प्रधानमंत्री से होगी उसकी रिकॉर्डिंग वे खुद भी करेंगी। इस शर्त को इंडियन ऑफिशियल्स ने नहीं माना तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। विनेश फोगाट ने एक इंटरव्यू में बताया, आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन, मैंने मना कर दिया। मेरे पास डायरेक्ट फोन नहीं आया था, लेकिन जो वहां पर अपने इंडिया के ऑफिशियल थे उनके पास फोन आया था। उन्होंने बोला कि पीएम मोदी बात करना चाहते हैं, मैंने बोला ठीक है। उन्होंने मेरे सामने शर्त रखी कि आपका कोई आदमी साथ में नहीं रहेगा, हमारी टीम रहेगी, दो लोग होंगे, एक वीडियो शूट करेगा और एक बात करवाएगा और वीडियो सोशल मीडिया पर जाएगा। मैंने पूछा सोशल मीडिया पर जाएगा तो मैं बोली सॉरी। उन्होंने आगे बताया, मैं अपने इमोशंस का, अपनी मेहनत का ऐसे सोशल मीडिया पर तो मजाक नहीं बनाऊंगी। अगर उनको सच में सहानुभूति है किसी खिलाड़ी के साथ में तो बिना रिकॉर्डिंग बात कर सकते हैं, मैं बहुत धन्यवाद रहूंगी। शायद उनको ये पता है कि जिस दिन भी विनेश से बात हुई तो विनेश वो 2 साल का हिसाब जरूर मांगेगी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि आपका कोई फोन नहीं रहेगा, हम ही रिकॉर्डिंग करेंगे। वह तो काट सकते हैं ना अपने लेवल पर, लेकिन मैं तो नहीं काटूंगी, मैं तो ओरिजिनल डालूंगी। जो बातचीत हुई तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। बता दें कि करीब 2 साल पहले उन्होंने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला था। तत्कालीन चीफ ब्रजभूषण चरण सिंह पर उन्होंने और कई महिला पहलवानों ने संगीन आरोप लगाए थे। इसके बाद उनकी झड़प पुलिस से हुई थी और महीनों तक धरने पर बैठी रही। इसके बाद उन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, यहाँ तक कि एक दिन में नेशनल कैंप के दौरान पहले 53 किलोग्राम में हारने के बाद फिर 50 किलोग्राम भार वर्ग के जरिए पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, जहाँ वे इस कैटेगरी में मेडल तक पहुँच गई थी, लेकिन वजन ज़्यादा होने के कारण अयोग्य घोषित हो गई। इसके बाद उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया और अब हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।